इसी साल दिसंबर में उसकी सगाई की तैयारी थी। बस इंतजार था कि वो छुट्टियों पर घर आ जाए। जैसा कि उसने कहा था कि बस एक काम बाकी है, वो पूरा करके आ रहा हूँ। तो इधर मंगनी की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही थी। उसकी उम्र भी करीब 27 साल हो रही थी। लेकिन जब घर पर फोन आया कि आपके बेटे ने देश की हिफाजत करते हुए अजीम शहादत पेश की है, तो घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। गमजदा परिवार अब बस इतना ही कह रहा है कि हमें और देश को अपने शुभम पर गर्व है। गौरतलब है कि जम्मू के राजौरी में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में आगरा के सपूत कैप्टन शुभम गुप्ता शहीद हुए हैं। उनके शहीद होने की खबर बुधवार शाम 7 बजे परिवार को मिली। खबर सुनते ही परिवार शोक में डूब गया। शुभम से दिवाली पर परिवार के लोगों ने वीडियो कॉल पर बात की थी, तब उन्होंने अगले सप्ताह आने की बात कही थी। 6 माह पहले शुभम आगरा आए थे। परिवार के साथ आगरा में शुभम ने अपना 26वां जन्मदिन भी मनाया था। ताज नगरी आगरा के फेस 1 प्रतीक एनक्लेव के रहने वाले बसंत गुप्ता DGC क्राइम के शासकीय अधिवक्ता हैं। उनके बेटे शुभम गुप्ता 9 पैरा स्पेशल फोर्स में कैप्टन थे। शुभम का चयन साल 2015 में सेना में हुआ था। साल 2018 में शुभम को कमीशन मिला था। परिवार के सदस्यों ने बताया कि बुधवार की शाम करीब 4 बजे उन्हें फोन आया कि राजौरी मुठभेड़ में शुभम घायल हो गए हैं। खबर मिलते ही शुभम के भाई ऋषभ गाड़ी लेकर जम्मू के लिए निकल गए, लेकिन शाम होते होते 7 बजे तक रास्ते में शुभम के शहीद होने की खबर मिल गई। मुझे कल दिन में सूचना मिली थी कि उनको इंजरी लगी है, कुछ ऑपरेशन वगैरह था उसमें इंजरी लगी थी। शाम तक आखिरी सूचना जो मिली थी वो ये थी कि हम उन्हें बचा नहीं पाए। मेरी इलाज जो बात हुई थी वो रात को तकरीबन 8 बजे। मुझे कर्नल साहब का उनकी यूनिट से फोन आया था कि हम उनको बचा नहीं पाए और आप लोग जम्मू की तरफ ना आए, क्योंकि मैं तब तक जम्मू के लिए निकल चुका था। उन्होंने कहा कि अब वापस आगरा चले जाएं। आगरा के जिस घर में आने वाले हफ्तों में सगाई और फिर शादी के लिए मेहमान आने वाले थे, आज वहां शहीद के पिता बसंत गुप्ता और बेटे के गम में बेसुध मां को ढांढस बंधाने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा है। शहर के अफसरान से लेकर सियासी हस्तियां सभी पहुंचे। बसंत गुप्ता अपने होनहार बेटे शुभम के कंधों पर सेना की वर्दी देखकर बेहद खुश रहते थे। वो अपने बेटे के जाने से अफसरदा जरूर हैं, लेकिन ये कहकर फफकने लगते हैं कि उन्हें शुभम की शहादत पर गर्व है। परसों बात हुई थी सुबह, बस यही कह रहा था कुछ काम बाकी है उसे करके बहुत जल्दी आता हूं। 2-1 दिन में छुट्टी आने वाला था, पिछले 15 दिन से ही लगातार कह रहा था एक काम है वो करके आता हूं, एक काम रह गया उसे करके आता हूं। आई फील प्राउड। जानकारी मिलती है बस यही बताया था कि एनकाउंटर में चोट लगी है, घायल है, हॉस्पिटल में सीरियस है, भर्ती है। कल 4:15 बजे सूचना मिली थी। वो जो करना चाहता था उसने किया, सर्वोच्च बलिदान देकर। हमें गर्व है, स्वागत ही है। शुभम आगरा के सेंट जॉर्जेस स्कूल में पढ़ते थे। उनके ताऊ तोताराम गुप्ता सेना के मेडिकल कोर में तैनात थे।
वो अपने ताऊ जी से प्रेरणा लेकर सेना में भर्ती हुए थे। पिछली छुट्टियों में जब वो घर आए थे तो दोस्तों ने उसे कंधों पर उठाकर गीत गाए थे। दोस्त बताते हैं कि कैप्टन शुभम को भी गाने का बहुत शौक था। वो अक्सर तेरी मिट्टी में मिल जावा गीत बड़ी शिद्दत से और बहुत सुरी लगाते थे। शुभम की पहली पोस्टिंग उधमपुर में हुई थी। इसके बाद वो कैप्टन बनकर राजौरी में तैनात हुए थे, जहां एक ऑपरेशन के दौरान उन्होंने जाम शहादत हासिल कर आगरा की धरती के सपूतों में अपना नाम भी जोड़ लिया।